गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फीमेल हेल्थ की। फीमेल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक यंग और ओल्ड फीमेल के लिए इम्पोर्टेंट है। मीनार्की से लेकर मीनोपॉज तक अलग अलग तरह की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या हार्मोनल प्रॉब्लम्स से फीमेल गुजरती है। मीनार्की में जब पीरियड्स शुरू होते हैं, कईयों को डिलेड पीरियड होते हैं कि एक बार आ गया उसके बाद काफ़ी देर हो गई पीरियड्स नहीं आए, कहीं को 4 महीने बाद आए, किसी को 6 महीने बाद आए, इरेगुलरिटी नहीं होती। कई फीमेल्स में थोड़ी ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल से कम ब्लीडिंग होती है जिसको स्कैंटी ब्लीडिंग कहते हैं। कई फीमेल्स में हैवी ब्लीडिंग होती है, कई लड़कियों को पेन काफ़ी होती है ड्यूरिंग पीरियड्स। तो ये सारी चीज़ें मीनार्की से शुरू हो जाती हैं और कई बार मेनोपॉज तक चलती रहती है। बहुत कॉमन है आजकल पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। काफ़ी यंग फीमेल जो हैं इससे जूझ रही हैं। सेडेंटरी हैबिट्स, नो एक्सरसाइज, बाहर का खाना पीना, स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसमें काउंट करते हैं डिजीज देने में। हॉर्मोन्स के डिजीज भी इसी से आते हैं और आपके जो पीसीओडी है ये भी इसी। बहुत सी फीमेल या शर्म के कारण या घबराहट के कारण या लैक ऑफ नॉलेज के कारण अपनी ये प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती, ना तो वो डॉक्टर को बताती हैं और अपने पेरेंट्स को, मदर को भी ये कहने से झिझकती हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो जब तक आप ये प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, आपका हल नहीं होगा। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बहुत कॉमन है। उनके हॉर्मोन्स चेंज होने के कारण जब हॉर्मोन्स का बैलेंस बराबर नहीं होता तो ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमने उस इम्बैलेंस को बैलेंस करना है तो आपकी ये हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम सेटल हो जाएगी। पीसीओडी भी इसी में आता है कि ओवेरियन सिस्ट जो है वो बननी शुरू हो जाती है, मल्टीपल सिस्ट बनती है। दिस इज ड्यू टू द हॉर्मोनल चेंजेस। हॉर्मोन्स को हम सेटल करेंगे, बैलेंस करेंगे और ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। ल्यूकोरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो फीमेल्स में कॉमन मिलती है। माइल्ड ल्यूकोरिया एक नॉर्मल है। अगर आपके वजाइना से हल्का सा डिस्चार्ज कोई हो रहा है जो ना तो बहुत स्मेली हो ना बहुत स्टिकी हो तो इट इज़ ए नॉर्मल। अगर बहुत ज़्यादा होता है, आपको स्मेल काफ़ी आती है, आपके अंडर गारमेंट जो है ज़्यादा गीले हो जाते हैं, तो आपको इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस चल रहा है आपकी बॉडी में जो ये डिजीज दे रहा है। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का भी यही कारण है कि हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस हुआ और वो लगातार चलता रहा। कई बार ट्यूब ब्लॉक हो गई या यूट्रस में कुछ फाइब्रॉइड बन गया या कोई छिल्ली ऐसी बन गई जो सर्विस को ब्लॉक कर सके, कुछ इन्फेक्शन ऐसी हो गई जो उसकी इनफर्टिलिटी को बढ़ाती है। थायराइड की भी ऐसी प्रॉब्लम है जो इस चीज़ को बढ़ाती है। स्ट्रेस फैक्टर्स हैं जो इसके साथ, स्ट्रेस फैक्टर अगर ज़्यादा बढ़ जाए देन आपकी हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आयुर्वेदिक में इसकी क्या ट्रीटमेंट है? आयुर्वेदिक में काफ़ी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, काफ़ी ऐसी हर्ब्स हैं जिनके एक्सट्रैक्ट्स को हम यूज़ करते हैं फॉर फीमेल डिसऑर्डर, चाहे उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, कम मेंसेस आते हों, हैवी ब्लीडिंग हो, मेंसेस आना बंद हो गया हो, थायराइड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, ल्यूकोरिया हो, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, हर तरह की प्रॉब्लम के लिए आयुर्वेदिक शास्त्रों में बहुत अच्छे योग दिए हुए हैं जो इस डिजीज को, इस प्रॉब्लम्स को पूरी तरह हल कर सकते हैं। कई फीमेल्स हमारे पास आती हैं जिनके डेवलपमेंट कम हुई होती है, जिनके जनरल और सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जैसे ब्रेस्ट है या उनके जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट कम होती है, तो ये भी एक हार्मोन डिजीज है। आमतौर से लड़कियां ये कहने में शर्माती हैं या उसको ट्रीटमेंट में शर्माती हैं, पर अगर आपको आपके बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसी लगती हों जो आपको नॉर्मल नहीं लग रही हैं तो उसका ट्रीटमेंट आप बिना झिझक करवाएं।